बाप रे, अपना नगर में बर्फ गिर रही है। लल्लन ताप, आज तो मजा आएगा बर्फ में खेलने में। मैं अभी बुध को कॉल करता हूँ। जो भी हो, सो जाओ और सोने दो। पार्टनर, ये मौसम सोने का नहीं, खेलने का है। जरा आँखों के पर्दे और कमरे की खिड़की खोल और फिर बोल। अरे पार्टनर, ये तो बर्फ गिर रही है। वही तो बोल रहा हूँ मैं। चल जल्दी से तैयार हो जा, बर्फ में खेलने चलते हैं। दोस्त, इतनी बर्फ में बाहर जाएंगे तो हमारी तो कुल्फी बन जाएगी। अरे कुल्फी बनेंगे नहीं, बनाएंगे। अरे पता नहीं दोबारा अपना नगर में बर्फ गिरेगी या नहीं। हाँ सही बोल रहा है। चल मैं फटाफट तैयार होकर तुझे मिलता हूँ। और तब तक मैं बाकी सबको बुला लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं। हाँ श्योर, मैं मायरा को भी कॉल करती हूँ। कौन? हाँ अरे वाह, हम भी आएंगे। इतनी ठंडी में ठीक है, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। वाह कितने 15 मिनट्स। मौसम है ये मस्ताना, छुट्टी का अच्छा है बहाना। आज ही सारी मस्ती करेंगे, फिर ऐसा विंटर नहीं आना। मौसम है ये मस्ताना, पेड़ हो घर हो या हो कार, बर्फ ने सबको ढक लिया यार। बर्फ का जादू ऐसा यार, आज तो पढ़ना है बेकार। दब दब ठंड लगेगी हमको, कित कित कल के गाएंगे। मौसम है ये मस्ताना, छुट्टी का अच्छा है बहाना। आज ही सारी मस्ती करेंगे, फिर ऐसा विंटर नहीं आना। मफलर मेरा नरम मुलायम, दस्तानों में गर्मी कायम। कोट ये मेरा फर वाला है, जूते लेदर वाले। खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे, बर्फ के गोले बनाएंगे, स्लाइड करेंगे स्कीइंग करेंगे और मिलकर ये गाएंगे क्या। मौसम है ये मस्ताना, छुट्टी का अच्छा है बहाना। आज ही सारी मस्ती करेंगे, फिर ऐसा विंटर नहीं आना। बाप ले बाप, यहाँ तो बर्फ के पहाड़ बन गए। बर्फ का पहाड़ तो तब बनेगा जब हम जीवा को बर्फ से ढक देंगे। मम्मी, अरे ये देते ले ओ। अब ये लो। अरे जीवा, मैंने क्या किया था? स्नो फाइट, कम ऑन मायरा। आज तो मजा आ गया, काश रोज स्नोफॉल हो जाए और हम रोज बर्फ का गोला खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अरे ये हमारा स्नो हाउस है, तुम्हारे खेलने का मैदान नहीं। मेरा आइस मॉन्स्टर इन सबको खा जाएगा। ये मॉन्स्टर नहीं, पाटिल अंकल लग रहे हैं, खतरनाक। ये देखो मेरा स्नोमैन है ना हैंडसम, बेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बेस्ट तो मेगा रोबोट है और स्ट्रॉन्ग भी। अरे थोड़ी सी गर्मी से ही तुम्हारा ये स्नोमैन पिघल के पानी पानी हो जाएगा। हाँ,
ये हॉकी खेलने का टाइम नहीं है। तू क्या ऊपर आम तोल रहा है क्या? मेरे लिए भी एक तोलना। ये झूला झूलने का भी टाइम नहीं है। ये झूला नहीं है तो क्या कपड़े सुखाने वाला है क्या? जीवा को भी टांग दे सुखाने के लिए। अरे हम इससे स्लाइड करेंगे। ये इसे कहते हैं मफलर स्लाइडिंग। देखा, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। मैं बच्चों की तरह स्नोमैन नहीं बनाता। मारा, तुम्हारे घर पे तो रोड रोलर चल गया। ज्ञान, अगर इसे मफलर स्लाइडिंग कहते हैं तो इसे कहते हैं हवाई सफारी। अरे सब लोग मेले पे ही क्यों बर्फ डाले? सॉरी जीवा, गलती से हुआ। करण, अब ये मत बताना कि ये स्केट्स भी तेरे पापा यूएस से लेकर आए हैं। नो नो, यूएसए से नहीं, ये मेरे डैड मेरे लिए लंदन से लाए हैं। एक करण, मुझे भी स्केटिंग करनी है, मुझे अपने स्केट्स देना। नो वेज, इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जैसे कि मैंने ली थी। मेरे स्केट्स जैसे रेसिंग कार, इसके सामने है सब बेकार। I can run, I can ride, I can race on the snow that wide. Ice पर भी मैं चल सकता हूँ, सारे स्टंट्स मैं दिखा सकता हूँ। मेरे स्केट सबसे बेस्ट, चाहे कुछ भी कर लो टेस्ट। जो हम कर सकते हैं क्या तू वो कर सकता है? Of course, tell me, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर इस केबल पर स्केट्स चला कर दिखा। Okay, मैं ये चैलेंज पूरा करूँगा। अरे, अब ये फरारी की सवारी कहाँ चली? Please help! करण स्केट्स को घुमा रहा है या स्केट्स करण को घुमा रहे हैं? करण को रोको, वो लेक में गिर जाएगा। लुकता करण। अरे जीवा, वो रुक सकता था तो रुक नहीं जाता। अरे ये तालाब तो पूरा बर्फ बन गया है। ललंटा, हाँ हम तो यूं ही डर रहे थे। कैसे लगे मेरे स्टंट? अमेजिंग ना? अरे अभी तो चिल्ला रहा था। Help, please help! करण संभल कर, ऐसे बर्फ बने लेक डेंजरस होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। I'm not scared, मैं बहुत डेयरिंग हूँ। बाप ले, ऊपर बर्फ है तो पानी कितना ठंडा होगा। Help, help! हमें करण को बचाना होगा। वो ज्यादा देर पानी में रहेगा तो डेंजरस होगा। Someone please help me! लेकिन लेक का सारा बर्फ तो टूटा है, हम करण तक पहुँचेंगे कैसे? Please save me! Help! आइडिया, मफलर स्लाइडिंग। अरे यहाँ कलन की दान खतले में है और तुझे मफलर स्लाइडिंग करनी है? स्लाइडिंग नहीं, उसकी रस्सी देख, वही करण की जान बचाएगी। इसे पकड़ो करण। अरे बदली का लस्सी का आइडिया तो थोटा पल गया। टेंशन मत ले जीवा, आइडिया तो आते रहते हैं, बस दिमाग होना चाहिए। करण पकड़ो इसको, हम तुम्हें बचा लेंगे। जोर लगा के, जोर लगा के। हाईशा!
ले कलन। थैंक यू बाबरी, तुमने आज मुझे बचा लिया। अरे ठीक है यार करण, आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? हाँ थत में बदली का आइडिया लल्लन ताप था। अरे अब ये किसने किया? मम्मी लल्लन ताप। इतने टाइम में तो हम मैथ का सवाल सॉल्व कर लेते, लेकिन ये ज्ञान का सुमित क्यूब हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। अरे ये सुमित क्यूब नहीं, रूबिक्स क्यूब है। अरे सुमित का हो या रूबिक का, सॉल्व तो नहीं हो रहा है ना? आइडिया। अरे वाह पार्टनर, तूने तो एक झटके में से सॉल्व कर दिया। हाँ पता नहीं आज तक किसी ने ये आइडिया सोचा क्यों नहीं। फालतू में सब लोग इसे ऐसे घुमा घुमा के टाइम वेस्ट करते हैं। क्या हुआ, रूबिक क्यूब सॉल्व हुआ? दुनिया में ऐसा कोई क्यूब नहीं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, समझे? ये देख। ये क्या किया तुम दोनों ने? हमने तो तुम्हारी मदद की है। अरे कैसी मदद, तुमने तो इसे हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। वाह मेगा रोबोट की नई मूवी का पोस्टर। तुम दोनों तो मेगा रोबोट के बड़े फैन बनते फिरते हो और तुम्हें पता भी नहीं कि उसकी नई मूवी रिलीज हुई है। हमें तो सबसे पहले पता चला था। सबसे पहले? वो कैसे? मेगा रोबोट ने हमें खुद बताया था। हाँ, हमसे पूछ कर ही उसने पिक्चर साइन की थी। अच्छा तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इस बार मेगा रोबोट का मुकाबला दुनिया के सबसे खतरनाक विलन से होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, उसी विलन को हराने के लिए ही तो मेगा रोबोट ने हमारी मदद मांगी है। अच्छा तो पूरी दुनिया में तुम दोनों नमूने ही मिले थे मेगा रोबोट को मदद मांगने के लिए? हाँ हाँ, चलो बुद यहाँ से खिसकते हैं, मेगा रोबोट की मदद करने का टाइम हो गया है। हाँ चलो। काश मेगा रोबोट सच में आकर इन दोनों को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाए। बोला जादू दिखाता काला कबूला। अरे ये लाइट कैसी, सर्कस आया है क्या गांव में? अरे ये तो वही है जो मेगा रोबोट की फिल्म में देखा था। हाँ स्पेसशिप। हाँ जिसमें बैठकर विलन आता है। कहीं ये नई फिल्म वाला सुपर विलन तो नहीं जिसके बारे में ज्ञान बता रहा था? हो सकता है वही हो, चल देखते हैं। जल्दी चल इससे पहले कि सुपर विलन हाथ से निकल जाए, हम उसे पकड़ लेंगे और मेगा रोबोट के हवाले कर देंगे। इतना बड़ा सुपर विलन ने छोटे से स्पेसशिप में फिट कैसे आया? ये विलन कम और एलियन ज्यादा लग रहा है। हिम सुना कुन कुन, मचना का चूना चुन चुन। बाप रे, लगता है ये हमें चुन चुन के मारेगा। तो चल भाग। अरे इसने तो हमें स्टैचू बना दिया। अब तो हम भाग भी नहीं सकते। मेगा रोबोट तुम कहाँ हो, बचा लो हमें। अरे ये आदमी है या ट्यूबलाइट, सब जगह से जल रहा है। पार्टनर कुछ कर, इसने तो हमारे दिमाग की बत्ती जला दी। हमारे दिमाग में पढ़ाई नहीं लेकिन पावर है। हाँ हमारे दिमाग के करंट ने इसके दिमाग का फ्यूज ही उड़ा दिया। ओदो केड़ा बम बम, चिका नीलू का डॉम डॉम। गुड, तुझे कुछ समझ आया? मुझे दुबे सर की भाषा समझ नहीं आती, इसकी कैसे समझ आएगी? अरे ये कह रहा है कि अभी हमें बॉम्ब से उड़ा के हमारा दम निकाल देगा। इससे पहले ये हमें बॉम्ब से उड़ा दे, हम अपने करंट से फिर से इसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट कर देते हैं।
करंट क्यों नहीं लग रहा? लगता है हमारा दिमाग डिस्चार्ज हो गया है, चार्जिंग करवाना पड़ेगा। अरे ये तो डर के मारे भाग रहा है। चल इसको पकड़। स्नारंटा गन गन उड़का नहीं भन भन। चल इसको मेगा रोबोट के हवाले कर देते हैं। लेकिन मेगा रोबोट है कहाँ? हाँ तो फिर इसकी स्पेसशिप लेकर मेगा रोबोट को ढूंढते हैं। आया था बड़ा मेगा रोबोट को हराने और हमसे ही हार गया। ये विलन कैसा भी हो इसका स्पेसशिप एकदम लल्लन टॉप है। हाँ, बिल्कुल हमारे वीडियो गेम की तरह। अब तो हमें इसे उड़ाने में इस विलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिंका मंका दोस्त दोस्त। अब दोस्त दोस्त कहने से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है। रिम्बू का जाका डाबू का लालम लाल। मुझे लगता है ये हमें लाल बटन दबाने को कह रहा है। लगता है ये स्पेसशिप खराब हो गया। तो अब क्या करें? इसको मेगा रोबोट के हवाले कैसे करें? आइडिया, इसको रॉकेट पर बिठा कर ले चलते हैं। और इसके स्पेसशिप को क्या करेंगे? वापस आकर किसी भंगार वाले को बेच देंगे। ये हमारी रॉकेट है। रॉकेट? हाँ रॉकेट रॉकेट रॉकेट। ये तो हमारी रॉकेट पे रॉकेट की तरह जाकर बैठ गया। कोई बात नहीं, इसी से पेडल लगवाएंगे। तो हमारी रॉकेट को स्पेसशिप बना दिया। अरे इसने तो रॉकेट को जलेबी बना दिया। कोई बात नहीं यार, एक बार हम इस विलेन को मेगा रोबोट के हवाले कर देंगे तो वो हमें दूसरी रॉकेट दे देगा। पर हम इस विलेन को मेगा रोबोट तक कैसे लेकर जाएंगे? हमें पहले इसका स्पेसशिप ठीक करना होगा। हाँ, इसके स्पेसशिप के पार्ट्स हमारे गेम्स पार्लर में भी मिल सकते हैं। सही कहा, चल। लेकिन इसका क्या करेंगे? कोई भाग गया तो? अरे खराब स्पेसशिप लेकर ये कहीं नहीं भाग पाएगा। अरे यार ये तो अब सुबह ही खुलेगा। लेकिन हमारे पास सुबह तक का टाइम नहीं है। ये हमें अपनी ब्रेसलेट से उड़ाना चाहता है। चल अंदर जाकर छुपते हैं। ओए होए। लगता है ये अपनी मदद के लिए अपने दोस्तों को बुला रहा है। हम भी मेगा रोबोट को बुला लेते हैं। ये नहीं चाहता कि हम मेगा रोबोट को बुलाएं। अगर मेगा रोबोट यहाँ आ गया तो इसकी तो छुट्टी हो जाएगी। अरे वो कहाँ गया? लगता है मेगा रोबोट का नाम सुनकर भाग गया। वो मेगा रोबोट से भाग सकता है, हमसे नहीं। Hmm.
उसका स्पेसशिप ठीक कैसे हो गया? जरूर मेगा रोबोट ने आकर ठीक किया होगा। वो उसे बंदी बनाकर अपनी दुनिया में ले जा रहा है। देख, मेगा रोबोट ने हमारी रॉकेट ठीक कर दी। थैंक यू मेगा रोबोट। पर मेगा रोबोट हमसे मिले बिना क्यों चला गया? बिजी होगा, पर अगली बार उसको ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ, अगली बार हम भी उसके साथ चलेंगे। मेगा रोबोट की जय हो। मेगा रोबोट की जय हो। पटेल, क्या कर रहे हो? बस ठीक से चलाओ। मैं क्या कर सकता हूँ सर, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ अब तक सड़क नहीं पहुँची है। पटेल, गड्ढे बचा के बस चलाओ। सर, या रास्ते में गड्ढा है या गड्ढे में रास्ता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये भैंस कहाँ से बीच में आ गई? अरे पटेल अंकल, फार्म की ट्रिप करने जाएंगे तो गाय भैंस ही बीच में आएंगी ना। पटेल अंकल, थोड़ा हॉर्न बजाओ, वो हट जाएगी। थोड़ा क्यों, पूरा हॉर्न बजाओ। सर, ये भैंस तो बस के आगे आगे चल रही है, साइड ही नहीं दे रही। भैंस दूध देती है लेकिन साइड नहीं देती। लगता है ये भैंस इस गांव की टूर गाइड है। रुक जा पटेल, रुक। जहाँ हमें जाना है वो जगह आ गई। इनके ही खेत में हमें जाना है। पार्टनर, देखना पेड़ों पे कितने आम लगे हैं। अरे मुझे क्या पता कितने लगे हैं। लगता है यही तुड़वाने के लिए राठी सर हमें फार्म की ट्रिप पे लाए हैं। ये भैंस तो एकदम जीवा जैसी ही है। जहाँ फोकट का खाना दिखा वहीं मुंह मार लिया। मायरा, देखो ना, किसी ने जमीन पर शार लगा दिया है। How stupid! और वो भी ऐसा शार जो घूम घूम कर चलता है। अरे ये शावर नहीं, स्प्रिंकलर है जो खेतों में उगने वाली फसल को पानी देता है। ये देखो, इस मशीन में सूखी फसल डालने पर एक ओर से भूसा और दूसरी ओर से चावल, गेहूं, बाजरे जैसा अनाज निकलता है। अरे वाह, एक साथ इतने ताले अनाज निकलते हैं? अरे मेरा मतलब कि जिस अनाज की सूखी फसल डालो वो अनाज निकलता है। अच्छा, इधर हम भी कोशिश करके देखें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू अंकल। तो तुम सब इनकी मदद करो, मैं खेत का चक्कर लगा के आता हूँ। अंकल आप नीचे उतरिए, अब हम काम करेंगे। आप आलाम की दिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। पार्टनर, गांव में आम बड़े खास होते हैं। हाँ, फ्रेश भी और फ्री भी। बस अब हो गई पेट पूजा, चल अब काम करते हैं कोई दूजा। इतने अच्छे आम खाने के बाद काम करने का आइडिया बड़ा बोरिंग है यार। तो चल फिर सो जाते हैं। पार्टनर, वो देख, जीवा तो किसान बन गया है। हाँ यार, चल देखते हैं।
अरे जीवा, फसल को जल्दी जल्दी मशीन में डालना। अरे लेकिन जितनी फसल मेरे हाथ में आएगी उतनी ही तो डालूंगा ना। इसलिए तो हम आए, अब दो की जगह चार हाथ काम करेंगे। चार हाथ? पर मेरे पास तो दो ही हाथ है। अरे हम दोनों के मिलकर हो गए ना चार हाथ। चल तू नीचे उतर, हम काम करते हैं। अरे ये क्या हो गया? लगता है मशीन खराब हो गई। ये था बोतल बदली के वजह से हुआ। इन्होंने एक साथ इतनी फसल डाली और इसलिए मशीन बंद पड़ गई। अरे बंद पड़ गई तो क्या हुआ, हम इसे भी चालू करते हैं। क्यों दोस्त? मैं लाठी दल को जाके बताता हूँ कि तुम लोगों ने मशीन खराब की। अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हाँ चल चल कुछ करते हैं। मम्मी मम्मी मेरे मुंह पे भूता उलाते हो। अरे दोस्त भाग। कहाँ गायब हो गए ये दोनों? मुझे दलाते हो? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अरे क्या हुआ जीवा, आजा हमें पकड़। मम्मी गिला दिया। बद्री कीचड़ में कमल का फूल खिल गया। अरे वो कमल का फूल नहीं, कमाल का फूल है। वो देख, लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अरे वो हमें डराने के लिए नहीं, पंछियों को डराने के लिए है, ताकि वो फसल ना खाएं। बिजू का बोलते हैं इसको। अच्छा तो हम डरा सकते हैं पंछियों को। हाँ और इसी बहाने हम भी कुछ काम कर लेंगे। हम स्कूल में मुर्गे बनते हैं और अब यहाँ खेत में बिजू के। रुको वे, डर जाओ हमसे। जरूर तुमने बहुत झूठ बोला होगा। मतलब वो कहते हैं ना, झूठ बोले कौवा काटे। अरे भाग यहाँ से, मुझे टकला बनाएगा क्या? मर गए तो हमारे पीछे लग गई है कौवों की फौज। हाँ अब नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे मौज। अरे अब भैंस से हमें कौन बचाएगा? ये पहेली बुझाने का टाइम नहीं, भागने का टाइम है। चल भाग। बचाओ। बचाओ। इस भैंस से हमें बचाओ। मदर बादरी के पीछे भैंस। इतना तो हम स्कूल मैराथन में भी नहीं दौड़े जितना कि यहाँ दौड़ रहे हैं। अब इस भैंस से बहस कौन करेगा? चल भाग। बाबा रे बाबा, इस भैंस ने तो फिर से हंगामा खड़ा कर डाला। आ,
अरे ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? सॉरी अंकल, ये सब इस भैंस की वजह से हुआ है। हाँ अंकल, हमने कुछ नहीं किया। अरे कैसे नहीं किया, ये सब तुमने ही किया है। हमने खुद अपनी आँखों से देखा है, ये कमाल तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। कमाल? हाँ, तुम दोनों ने इस भैंस को खेत में दौड़ा दौड़ा कर मेरा खेत जोत दिया। लेकिन हम भैंस को नहीं, बल्कि भैंसों में दौड़ा रही थी। सर कितने प्यारे बच्चे हैं, मन से भी एकदम सच्चे हैं। अरे आखिर बच्चे किसके हैं? किसके हैं सर? अरे हमारे और किसके, अपना स्कूल के बच्चे हैं और अपना स्कूल के प्रिंसिपल हैं हम। को मार रहा है या साइकिल को? एम लगा के इतनी जोर से मार के पूरा पेड़ ही गिर जाए। आम की गुठली मूंगफली के छिलको। कौन कर रहा है ये मजाक? कौन कर रहा है ये मजाक? हम बद्री और बुद्ध। हम बद्री और बुद्ध। हम बद्री और बुद्ध। कहीं जीवा तो नहीं? अरे यार आवाज तो है मगर बॉडी नहीं है। मतलब समझा बुद्ध, भूत है। भागो। बच गए। पागल भूत अभी भी पेड़ से चिपका होगा। आने को दे, नहीं तो। भाग बुद्ध भाग, पेडल मार बुद्ध, और तेज और तेज। अरे वाह चॉकलेट, यम यम, मजा आ गया। अरे ये जीवा कहाँ से टपक गया, हमें आम टपकाना था, जीवा नहीं। जीवा को टपकाना है, जीवा टपक गया। तुम दोनों को थोलूंगा नहीं। पहले पकड़ के तो दिखा। भाग बुद्ध। बच गए, भूत से भी और जीवा से भी। यार तू ये बता, मेगा रोबोट और भूत में अगर लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? मेगा रोबोट, भूत? खाने को दे, नहीं तो दूंगा एक रख के। नहीं दूंगा खाने को। खाने को दे। अरे भूत से बहस नहीं करते। पहले मुझे खाने दो, फिर तू मुझे खा लेना। भूत जी दोनों खुश। दे दे उसे खाने को, हम किसी और का लंच चुरा कर खा लेंगे। आ रहा है, आ रहा है। चिटपटा खोदा पहाड़ निकला मिट्टू मिया। शुक हट हट, शुक शुक। और अब हम ले चलते हैं इस नकलची बंदर को स्कूल के अंदर। इससे तो वो करेंगे धमाल कि स्कूल में होगा सबका बुरा हाल। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंदा, ये नहीं कोई है मामूली बंदा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? चला जा जा जा, सेल्फी ले ले रे। अरे कौन बोला? कौन गाना गा रहा है? हम स्क्वायर रूट सिखा रहा हूँ और तुम सेल्फी की बात कर रहे हो? हैं कौन है? चल आवाज बुद्ध से आ रही है, मैंने नहीं कहा। मगर मेरा मुंह तो बंद था ऐसे। चिटपटा टमटम,
ये कौन बोल रहा है? कुछ दिख तो नहीं रहा। सर हमारे पीछे भूत पड़ गया है। अकॉर्डिंग टू साइंस भूत वूत नहीं होते, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। मैं भूत हूँ। मैं तुझे खा जाऊंगा। ये आवाज तो बदल बदली के बैग से आ रही है। मैंने देखा बदली कुछ कुटपुट कर रहा था बैग से। मतलब चोर पकड़ा गया। अरे यहाँ तो कचरे के सिवा कुछ नहीं है। ये सब का है? ये सब खाते हो? बीज मिर्ची और पता नहीं क्या क्या। अरे सर ये सब उस भूत के लिए है, अगर नहीं देंगे तो हमको खा जाएगा। सब झूठ, मैं तो नहीं दूंगा उसे कुछ भी खाने को। कहा था नहीं दोगे खाने को तो वो तुम्हें खा जाएगा। हाँ बड़े गुस्से वाला भूत है, जो कहता है करो, नहीं तो नहीं तो दूंगा एक रख के। मैं भूत हूँ, मैं तुझे खा जाऊंगा। भूत भूत। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, कहाँ है भूत? देख यहाँ कोई नहीं है। देख यहाँ कोई नहीं है। खाना दो, नहीं तो दूंगा एक रख के। हाँ हाँ मैं अभी मेरा डब्बा लेके आता हूँ। मैं भी लेके आता हूँ। कहाँ गया हमारा मिट्टू मियाँ, इतना मजा आ रहा था। सही आइडिया। चटपटा टम टम। समोसा लाओ, चिप्स लाओ, नहीं तो दूंगा रख के। मुर्गा बन के डांस करो, सब नाच के दिखाओ, फाइट करके दिखाओ। जोर से बोलो, चिटपटक टम टम, चिटपटक टम टम। अरे भाई ये खाना किसने रख दिया यहाँ पर? सर स्कूल में भूत घुस आया है और वो हमको बोला ये सब करने को। हमारे होते हुए भूत बावड़े हो गए क्या तुम दोनों? चलो जाओ यहाँ से और यह टिफिन भी लेकर जाओ। सर स्कूल में सच में भूत घुस आया है। अरे दूबे ये किसी के बदमाशी है। कौन है? जब पकड़ूंगा ना तब मुर्गा बना दूंगा। मुर्गा बना दूंगा, चल मुर्गा बना दूंगा। अरे प्रिंसिपल हम। अरे प्रिंसिपल हम। अरे प्रिंसिपल हम हैं। अरे प्रिंसिपल हम हैं। प्रिंसिपल हैं हम। प्रिंसिपल हैं हम। दो दो प्रिंसिपल। अरे ये क्या है? सर चटनी लग रही है, इडली के साथ जो होती है ना, नारियल वाली। अरे दूबे थारे को हर जगह खाने की ही चीज दिखाई देती है। ये चटनी नहीं है, चिड़िया की बीट है। चिड़िया? हाँ समझ गया। सारे बोलो चिटपटाक टम टम। ये रहा भूत। भूत भूत। मिट्ठू मियाँ तुमको स्कूल में कौन लाया बताओ तो? बद्री और भूत, बद्री और भूत। सर तोता लाकर सबको उल्लू बनाया, अब हम इनको मुर्गा बनाते हैं। हाँ भाई
लेकिन इनकी सजा भी इनको मिट्टू मियां ही सुनाएगा। तो मिट्टू मियां बोलो, बद्री और बुद्ध को मुर्गा बनाओ। 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 देखो छोरो, ये रहा तुम्हारा भूत। बद्री और बुद्ध को मुर्गा बनाओ। जो भूत करा करो, नहीं तो दूंगा एक रखे। अब डांस करो, कमर हिलाके बोलो चिटपटांग टम टम, उल्टा होके बोलो चिटपटांग टम टम, बंदर बनके बोलो चिटपटांग टम टम। बच्चों, ऐसे कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और याद रखो, भूत वूत कुछ नहीं होता, हमें पता है। आखिर प्रिंसिपल है हम। पार्टनर, ये एग्जाम बार बार क्यों आते हैं? हाँ, जब पास ही नहीं करना तो एग्जाम लेते क्यों हैं? सही कहा पार्टनर, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, बुक है, टाइम है, नोट्स है। दुबे सर जैसे टीचर भी हैं। जब चाहे टॉप कर सकते हैं हम, बस पढ़ाई का मूड ही नहीं बनता कभी। पार्टनर, एक सवाल पूछूं? नहीं, मैं पूछूंगा। अच्छा, मान ले तेरे पास दो रोटी है और तूने दोनों खा ली, तो बता तेरे पास क्या बचा? सब्जी। अब मैं पूछूं? नहीं, मैं पूछूंगा। बता, दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे कौन देता है? मुर्गी। गलत। कबूतर। वो भी गलत। तो फिर? दुबे सर, हमारी कॉपी में शुरू से लेकर एंड तक अंडे ही अंडे देते हैं। ये दुबे सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं, उनके आंसर उन्हें पता होते हैं क्या? उनको आंसर पता होते तो हमसे थोड़े ना पूछते। जीवा, मंदिर में? इसका एग्जाम यहाँ है क्या? वो तो अभी पता चल जाएगा। भगवान का मस्का। अच्छा, तो ये चक्कर है, इसी वजह से ये हर बार फेल होते होते पास हो जाता है और हम पास होते होते फेल। कोई बात नहीं पार्टनर, अब हम भी यही तरकीब इस्तेमाल करेंगे। दो एकम दो, दो दूनी ताल, दो तिया ते, दो तोके आठ, दो पटे दत। ये लो भगवान, दत लुपे, बत मुझे एकदम में पाप कलवा देना हल बाल की तला। हे भगवान, हमें जीवा से ज्यादा मार्क्स दिलवाना। और जो पैसे जीवा ने दिए उसी में हमारा भी एडजस्ट कर लेना। अकल के दुश्मनों, मेरी नकल। यहाँ कौन सा एग्जाम चल रहा है जो तेरी नकल मारेंगे? हाँ, हम तो बचपन से यहाँ आते हैं। तो भगवान, मैंने आज एक पुण्य का काम किया है। ये दो बेचारे मेरे हाथे पीटने वाले थे, लेकिन मैं इन्हें माफ करता हूँ। प्लीज, इस पुण्य के बदले मुझे पाप करवा देना। भगवान, हम तो अपनी तैयारी करके आए हैं, हमारे पास फर्रे हैं। फर्रे एकदम लल्लन टॉप पार्टनर। ओह ये, ओह ये, ओह ये, ओह ये। भगवान, बस आप दुबे सर को संभाल लेना। भाई वाह, कितनी अच्छी क्लास है थारी दुबे। अरे कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं थारे, लग गए सारे बच्चे हमारा नाम रोशन ही करेंगे। सिर्फ ई दो स्टूडेंट वा को छोड़ के। कहाँ थे रे इतनी देर से दोनों? यो टाइम है स्कूल आने का। सर, हम पेड़ वाले भगवान से बात कर रहे थे। क्या? ये कहना चाह रहा है कि हम बात कर रहे थे, बहुत जरूरी।
क्या बात? सर ये बात के एग्जाम में फर्स्ट कौन आएगा, ये या मैं? फर्स्ट? तुम दोनों में से? दोनों को सुबह सुबह कोई और नहीं मिला क्या? अरे प्रिंसिपल है हमसे मजाक। अरे सर ये नीचे से फर्स्ट आने की बात कर रहे हैं, ना लाइक तनिक पढ़ाई भी किए या फिर से फेल होने का इरादा है? हाँ दुबे, पॉलिसी के हिसाब से जो ये दोनों फेल हुए तो हम जिम्मेवार होंगे। लगे अब के भगवान ही इन दोनों की नैया पार लगा सके। पता नहीं भगवान में भी इतनी शक्ति है कि नहीं। हे भगवान, पास करा दे इन दुनिया ने, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आइए प्रभु आइए। अरे स्थान ग्रहण कीजिए, अब निमंत्रण देना पड़ेगा का? चीटिंग करके पास होने में जो मजा है वो तो मेगा रोबोट को मारने में भी नहीं है। जीवा आत पात होता है तो लोग डर के मारे अपना नाम भूल जाते हैं। लगता है तुम दोनों का भी वही हाल है। अपने काम से काम रख, हमारे नेम से नहीं। मुत्ते पंगा, अपने पेपर की तरफ देख, मेरे पेपर से चीटिंग करने की कोशिश मत कर। चुप, एक तो पढ़ाई नहीं करते हैं, ऊपर से टाइम बर्बाद करते हो। चुप, एक और साउंड किसी ने निकाला तो क्लास से बाहर कर देंगे। चुपचाप एग्जाम दो, नो चीटिंग नो टॉकिंग ओनली एग्जाम। दुबे सर खर्राटे मार रहे हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। मुझे भी दे। अरे मिस्टर दुबे एग्जाम हॉल में सोता है। बैड, वेरी बैड, मिस्टर राठी को बोलना पड़ेगा। भाई मेरे तो पन्ने खत्म हो गए, अब क्या करूं? मुझे नहीं पता, आज तक हमने इतना कभी लिखा ही नहीं कि पन्ने खत्म हो जाए। जान से पूछ। पन्ने खत्म हो गए, अब क्या करूं? सर से एक्स्ट्रा शीट मांग और क्या। बिंदिया मैडम, आपको आंखों का धोखा हुआ लगता है। नो मिस्टर राठी, कम विद मी, आई विल शो यू। दुबे सर कौन डूबा? कौन डूबा भाई? अरे कोई नहीं डूबा। फिर चिल्लाते कहाँ हो तुम? सर एक्स्ट्रा शीट चाहिए। धीरे से नहीं बोल सकते, हम सो रहे थे का? सर मुझे भी चाहिए। आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? कहीं से भी निकला हो, भगवान का शुक्र है जो तुम दोनों इतना लिख तो रहे हो। अरे तुम उठ गया? हम तो सुबह ही उठ जाता हूँ। लायर, मैंने अपनी आँखों से देखा तुमको सोता हुआ। मैडम जी बोलिया था ना, आपको आँखों का धोखा हुआ लगे है, आ जाओ चाय पिला दियो तुमने। सर लगता है आपका 51 रुपया गया, आज इन दोनों ने सबसे ज्यादा लिखा है। हमको तो लगता है कि ये फर्स्ट आएंगे। शाबाश बालको, मन में गर्व है तुम दुनिया पे। राठी सर और दुबे सर को तो पता भी नहीं चला। इसे कहते टैलेंट। ज्ञान 99 out of 100, फर्स्ट रैंक। फर्स्ट
हमारा नंबर कब आएगा? जल्दी आएगा, लगता है सर सबसे अच्छा पेपर लास्ट के लिए बचा रहे हैं। जी बा, थॉमस 42। वेरी गुड, पहली बार इतना मार्क्स आया तुमको, बहुत बढ़िया। और बद्रीनाथ और बुद्धदेव? देखा, बोला था ना मैंने। 100 बड़का बड़का अंडा। ये क्या, हमें 0 कैसे मिल सकता है? हमने तो सबसे ज्यादा लिखा था। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री के एग्जाम में मैथ्स लिखा था, है ना बेवकूफो? पूरा प्लान चौपट हो गया पार्टनर। इतना बुरा मत मान पार्टनर, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। अगली बार फर्रे बनाने से पहले पक्का कर लेंगे कि एग्जाम है किसका। नकल करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, सारा कसूर स्कूल वालों का है। गलत दिन पर गलत पेपर रख दिया, वरना हम जरूर पास हो जाते। हाँ, हमारी जगह मेगा रोबोट होता तो वो भी पास नहीं हो पाता। हाँ, वो भी है। अरे, मेगा रोबोट से याद आया, आज शाम लेवल 8 पार करना है किसी भी हालत में। ये हुई ना बात, आखिर पूरी दुनिया को बचाना है। ओह ये, ओह ये, ओह ये, ओह ये। रॉकेट को भी आज ही बीमार होना था यार। हाँ यार, रॉकेट के बिना मन नहीं लगता। वैसे हुआ क्या है उसे? चेन टूट गई, मेरी प्यारी रॉकेट। इतनी देर से चल रहे हैं, मेरी तो हालत खराब हो गई है चलते चलते। अभी तो तूने चलना शुरू भी नहीं किया। दोस्त, कल रात लगातार 5 घंटों तक मैं अकेली ही मेगा रोबोट से लड़ता रहा, थक गया हूँ मैं यार। दोस्त, रॉकेट सिर्फ हमारी साइकिल नहीं, हमारी पेट है। और कितना अच्छा होता अगर हमारे पास और भी पेट होते। हाँ, जैसे कि एक घोड़ा जिस पर बैठकर हम दोनों स्कूल जाते। ओए, हो गई घुड़सवारी। मुझे रॉकेट जैसा एक और पेट चाहिए। लेकिन घोड़ा नहीं, कुछ और जो हमारे ज्यादा काम आ सके। हाँ, एक पाइथन। लोग उसे देखेंगे और हमें सल्यूट मारेंगे, एकदम लल्लंटा। या फिर एक हाथी जो जीवा से भी बड़ा हो। हाथी घोड़ा हटाओ, सबसे खतरनाक है एक डायनासोर। डायनासोर? वो भी टीरेक्स। टीरेक्स सामने आ गया तो डर के मारे भाग जाएगा। बिल्कुल नहीं डरूंगा पार्टनर, मैं किसी से नहीं डरता। चूहे ने मुझ पर हमला कर दिया। कितना प्यारा चूहा है ये। अरे ये कौवा हमको ही खा जाएगा, अपने लंच बॉक्स से इसे कुछ दे दे दोस्त। ये टंकू बोल रहा है उसकी जान बचाने के लिए। टंकू बोलने की जरूरत नहीं छोटे उस्ताद, अब जा और मजे कर। इसे कितना अच्छा लगता है ना किसी की हेल्प करने के बाद। शू, जा। अरे तू अपनी लाइफ जी ले सिमरन, आई मीन मेरे माउस। तू इसे पसंद आ गया दोस्त। पसंद तो ये भी है मुझे, पर मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता ना। बेचारा चूहा,
सब कुत्ते बिल्ली चिड़िया को पालते हैं, कोई चूहा नहीं पालता। आज से ये मेरा पालतू जानवर है, मैं इसे पुचकू लूंगा। अले 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 पुचकू पुचकू। दौड़ क्यों रहा है? जोर से टॉयलेट आ रही है, दौड़ने से धीरे हो जाएगी क्या? अंदर जाना है तो मुझे अपना लंच बॉक्स दिखाओ। हमारा लंच कौवा खा गया। मैं उल्लू दिखता हूँ क्या? हाँ दिखता है उल्लू, जो कौवे की कहानी पर बिलीव नहीं कर रहा। अब अंदर नहीं जाने दिया तो बुद्धदेव तेरे ऊपर ही कर देगा। इमरजेंसी है, सोच ले। पॉकेट में क्या है? चॉकलेट है। चलो लंच नहीं तो चॉकलेट ही थी। चॉकलेट तो हिलने है। चॉकलेट देखा था। हमला हमला, बताओ बताओ चॉकलेट ने काटा। अरे ठहर जा डर जा। के भैया थल थल, एक चॉकलेट हिल रही थी और उसने मुझे काटा। के अरे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, बताया था ना तन्ने कितनी बार। मन्ना दिखा कहाँ है काटने वाली चॉकलेट? उसकी पॉकेट में। अरे भाई मन्ना तो ना काटिया चॉकलेट, इव मैं इसने जरूर काट लूंगा। अब हमारे पेट ने हमारी जान बचाई, सब बराबर। क्या हुआ मेरे लौजा बेटे को, भूख लगी है? चलो क्लास में खाना, पड़ेगा सर को बताना, होगा तुम्हें पछताना। मुंह बंद रखो अपना, वरना अभी पता चल जाएगा कौन पछताएगा और कौन नहीं। तो अब खुलेगा, तुम्हारा राज में उगलेगा, तुम दोनों आज धुलेगा। अरे तुम तीनों डेस्क के ऊपर क्या कर रहे हो? हमने कोनो पनिशमेंट दिया है का? सर जी बुद्धदेव का चूहा या चूहे का भूत, खुदा कर देख लीजिए सबूत। इससे शैतानी। अरे पटेल जी हमको बचाइए। आप ऊपर क्या कर रहे हो सर, कुर्सी टूट गई है क्या? अरे नहीं चूहा चूहा, उसको पकड़ो। अरे रुक रुक, चूहा। अरे कोई डंडा लाओ। मेरे बुजकू को सबने डरा के ग्लास से बाहर निकाल दिया। टेंशन मत ले पार्टनर, अभी वापस लाते हैं उसे। रुक, कोई रोको उसे, रुक रुक। कहाँ गया वो चूहा, मिलेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गया मेरा नन्ना शैतान? अरे दुबे डेस्क पे क्यों खड़े है भाई, मन्ने तो कोई पनिशमेंट ना दी तुझे। नहीं सर, एक चूहा। अरे इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? सर जी एक तो चूहा पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। चूहा हमारे स्कूल में? ये वही काटने वाली चॉकलेट है, मतलब चूहा है। कौन लेकर आया भाई? और कौन, वही दो बदमाश बद्रीनाथ और बुद्धदेव। अब हाथ में आने दो उनको, मुर्गा नहीं चूहा बना दूंगा इस बार। ये मेला पुचकू नहीं है। अरे पुचकू ही है। तुमने देखा क्या कहां गया? हाँ उस तरफ। मेला पुचकू, मेला बच्चा। मुझे छोड़ के किसके पास भाग रहा है?
अब पुचकू को हमारी जरूरत नहीं। उसे उसका प्यार मिल गया। अरे बहुत हो लिया तुम्हारा, कहाँ है चूहा? वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। हमें उसकी बहुत याद आएगी। हाँ, वो हमारा पेट था। हमने उसकी जान बचाई थी। बहुत प्यार करते थे हम उससे। सर, आप क्यों रो रहे हो? जब मैं छोटा था तो मेरे करने भी एक पेट होया करता, उसकी याद आएगी भाई आज। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया, मैं क्या करूंगा? हाँ भैया रो ले भाई, रोने से दर्द हल्का हो जावे। लेकिन सर, हम स्कूल में कैसे रो सकते हैं? हाँ भैया, ये बात भी सही है। ठीक है तो एक काम कर, घर जाके रो ले। सच में घर जाए? अरे हाँ हाँ, जा भाई जा, मैं परमिशन दे रहा हूँ, आखिर प्रिंसिपल है हम। हम एक और पालतू जानवर लाएंगे। पार्टनर, हमारे पास तो पहले से ही एक पालतू जानवर है। कौन? मैं तेरा, तू मेरा।